व्यूवर वेलकम टू अनदर वीडियो। व्यूवर आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पीसी या लैपटॉप उसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो कोई भी हम ऑप्शन को जब क्लिक करते हैं तो बहुत स्लो स्लो चलता है या आगे नहीं बढ़ता, समटाइम इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि हैंग होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए पांच ऐसे मैं तरीके आपको बताऊँगा जो आप अपने सेटिंग अपने पीसी या लैपटॉप में कर लें तो इंशाल्लाह उसकी जो स्पीड है वो बूस्ट हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर, मेरा चैनल शकील टेक्निकल एक्सपर्ट के नाम से यूट्यूब पे है, उसको सब्सक्राइब कर दें, और सेम नाम से मेरा पेज शकील टेक्निकल एक्सपर्ट फेसबुक पे है, पेज मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा है पीसी या कंप्यूटर, ये आपके लैपटॉप या पीसी में आइकन जो होता है सबसे पहले इस पर कर्सर लेके ले जाके इसको राइट क्लिक करें। थर्ड नंबर पे ऑप्शन ऑप्शन है मैनेज, मैनेज को क्लिक करेंगे आप। उसके बाद है आपने देखना है इवेंट व्यूअर, इवेंट व्यूअर के बाद क्लिक करना आपने विंडो लोगोस। उसके बाद है सेलेक्ट करना आपने नेक्स्ट एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे फिर आप इस साइड में आएंगे तो इधर लिखा क्लियर लॉक्स, क्लियर कर दें। सेकंड में सिक्योरिटी, इधर आके इसको क्लियर कर दें। थर्ड नंबर में है सिस्टम, इसको इधर से क्लियर कर दें। अब इस विंडो को बंद कर दें। दूसरा मेथड है टास्क बार पे राइट क्लिक करें, तो अभी आप ओपन करें टास्क मैनेजर, इसको ओपन करके अब जाएंगे अपने सेलेक्ट करना स्टार्टअप, स्टार्टअप सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ये स्टेटस में जितने ये के सॉफ्टवेयर है ना ये इनको डिसेबल करना है, राइट क्लिक करके डिसेबल। ये स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर हैं, जब कंप्यूटर या पीसी ऑन होता है तो आपका पीसी या लैपटॉप जब ऑन होता है तो ये जो है ना वो ऑटोमेटिक जो है वो सिस्टम में लोड होना शुरू हो जाते हैं या ऑन होने की कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, इसकी वजह से वो सिस्टम जो है ना वो स्लो हो जाता है। इस सब को डिसेबल कर दें एक एक करके। तो ये या बैकग्राउंड में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये कोई भी अभी कनेक्ट नहीं होएगा, ये सब डिसेबल हो गए हैं। इस विंडो को क्लोज कर दें। तीसरा मेथड अभी आएगा कि सर्च बार में आप क्लिक करें और लिखें व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, क्लिक करें व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग। इसके बाद ये विंडो ओपन होगी, इसमें आपने क्लिक करना है एडवांस पे, सेटिंग में क्लिक करें। सेटिंग में क्लिक करके व्यूअर इसमें आपने पांच ऑप्शन जो है ना उनको अप्लाई करना है, बस तीसरे नंबर का है जो एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, इसको क्लिक करें। उसके बाद पांच फीचर जो है इनको आपने ऑन करना है। फर्स्ट में है एनिमेशन इन दी टास्क बार, सेकंड में सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यू, शो थंबनेल इनसर्टेड, तीसरा है
चौथे में आता है शो विंडो कंटेंट, विंडो कंटेंट वाइल्ड ड्रैगिंग। पांचवें में आएगा स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स। ये पांच जो ऑप्शन फीचर्स हैं इनको आपने क्लिक कर देना है, अप्लाई करें, ओके करें, इसको क्लोज कर दें। नेक्स्ट आपने और अपना पीसी या माई कंप्यूटर इसको ओपन करना है। ओपन करके सी ड्राइव को ओपन करें, विंडो को क्लिक करें, उसके बाद इसमें आएगा टेम्परेरी फोल्डर। ये टेम्परेरी फोल्डर आ गया, इसमें जितनी टेम्परेरी फाइल हैं सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। अभी इसको पेज को क्लोज कर दें। नंबर पांच में सर्च बार में सेलेक्ट क्लिक करें, उसके बाद लिखें डिस्क क्लीन अप। डिस्क क्लीन अप इसको क्लिक करें तो ये आपको शो होगा डिस्क क्लीन अप ड्राइव सिलेक्शन। इसमें आपने सेलेक्ट करना है सी, ओके करें। उसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी, इसको आपने क्लीन अप सिस्टम फाइल्स इसको सेलेक्ट करें। फिर इस जगह में सी ड्राइव सेलेक्ट करें, ओके करें इसको। तो इस तरह से ये जो डिस्क है वो क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद ये जितना ये ऑप्शन है सबको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यू गेन, इसमें टोटल आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट 3 4 5 GB ऐसे 8 GB तक इसमें शो होगी आपकी। तो सबको इसको सेलेक्ट करें सब ऑप्शन को और ओके को क्लिक कर दें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज फाइल, डिलीट फाइल इसको ओके करें। इसमें जितनी भी वो एक्स्ट्रा फाइल हैं, कुछ फाइल जो है वो लोड हो जाती हैं रैम में तो वो डिलीट हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम, डाटा अगर ज़्यादा शो होएगा उधर वो तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके व्यूअर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।